और आप देख रहे हैं एमएफ न्यूज। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद हंगामा मच गया है। बीजेपी विधायक ने एक बड़ा इस पर खुलासा भी कर दिया है। उद्धव ठाकरे पर एक गंभीर आरोप भी लगा दिया गया है। दरअसल आरबीआई ने फैसला लिया कि 2000 के नोट जो हैं अब वो चलन में नहीं रहेंगे। जो पुराने नोट हैं वो बदले जाएंगे और नए नोट जारी नहीं होंगे। अब जैसे ही ये फैसला आया उसके बाद संजय राउत ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। कई तरह की टिप्पणियां उनके द्वारा की गई। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि संजय राउत की इस बयानबाजी पर किस तरीके से नीतीश राणे जो कि बीजेपी के विधायक हैं वो भड़के हुए हैं। इसी बयान को आधार बनाते हुए उन्होंने उद्धव ठाकरे के फार्म हाउस की जांच करने की भी मांग कर ली है। किस तरीके से नीतीश राणे ने बयान देते हुए ये खुलासा कर दिया है कि भ्रष्टाचार के जो पैसे हैं, जो कमाई है, 2000 के नोटों की गड्डियां कर्जत फार्म हाउस में रखी गई हैं। उद्धव ठाकरे के फार्म हाउस में 2000 के नोट गाड़े हुए हैं, इसकी जांच की भी मांग उन्होंने कर ली है। नीतीश राणे का कहना है कि जो 2000 के नोट वो फार्म हाउस में पड़े हुए हैं, इसी कारण संजय राउत इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि फार्म हाउस की जांच होनी चाहिए, पता लगाया जाना चाहिए कि पैसा कहां रखा हुआ है। अब संजय राउत ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। नदी का पूरा मामला फंस गया है। प्रधानमंत्री ने कहा था जब पहली वाली नोटबंदी 8 बजे जाहिर की थी, तब क्या कहा था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नोटबंदी से भ्रष्टाचार कम होगा, हिंसाचार कम होगा, टेररिज्म कम होगा, महंगाई कम होगी, ब्लैक मनी कम होगा। उसमें से कुछ भी हुआ नहीं। लोगों की नौकरी चलाई गई, लोगों का रोजगार चला गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, काला पैसा बढ़ गया, टेररिज्म बढ़ गया। देखिए मणिपुर, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है आप देख लीजिए। कहाँ से पैसा आ रहा है, ब्लैक मनी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि अगर नोटबंदी का मेरा निर्णय फंस गया तो मैं पब्लिकली फांसी पर मुझे लटका दीजिए। अब क्या करना, अब क्या कहे, फंस गया है ना तो आप प्रायश्चित लीजिए। आप दूसरी बार नोटबंदी कर रहे हैं, देश के अर्थव्यवस्था के साथ इतना घिनौना खिलवाड़ इतिहास में कभी नहीं हुआ था। उनको क्या लगता है ये कोई अहमदाबाद की दुकान चला रहे हैं क्या, ये देश चला रहे हैं। उनको अब तक समझ में नहीं आ रहे हैं ये देश चला रहे हैं, अहमदाबाद की दुकान नहीं, सूरत की दुकान, कपड़े की दुकान नहीं चला रहे ये लोग। तो आपने सुना संजय राउत को किस तरीके से संजय राउत मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। पिछले काफी दिनों से संजय राउत शिंदे सरकार पर, बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर, केंद्रीय एजेंसियों पर हमला बोल रहे हैं। जेल जाने से पहले संजय राउत ने कई प्रकार की टिप्पणी की थी जिसके बाद वो जेल गए। जेल से निकलने के बाद अभी भी वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। किस तरीके से हर रोज मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी पर भी हमला बोलते हैं, और इसी कड़ी में अब बीजेपी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। नीतीश राणे जो है वो जमकर अब इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही शिंदे गुट के एक नेता ने संजय राउत को पागल तक बता दिया था। तो इस प्रकार से घमासान जो है अब वो आरबीआई के फैसले पर मचा हुआ है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो इस वक्त शिंदे सरकार गिर जाएगी, इस तरह का दावा महाविकास आघाड़ी की तरफ से किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि आने वाले दिनों में बीजेपी और शिंदे सरकार की चुनाव में जीत होगी और महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है वो कमजोर पड़ता जा रहा है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा मामला फंस गया है। प्रधानमंत्री ने कहा था जब पहली वाली नोटबंदी 8 बजे जाहिर की थी, तब क्या कहा था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नोटबंदी से भ्रष्टाचार कम होगा, हिंसाचार कम होगा, टेररिज्म कम होगा, महंगाई कम होगी, ब्लैक मनी कम होगा। उसमें से कुछ भी हुआ नहीं। लोगों की नौकरी चलाई गई, लोगों का रोजगार चला गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, काला पैसा बढ़ गया, टेररिज्म बढ़ गया। देखिए मणिपुर, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है आप देख लीजिए। कहाँ से पैसा आ रहा है, ब्लैक मनी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि अगर नोटबंदी का मेरा निर्णय फंस गया तो मैं पब्लिकली फांसी पर मुझे लटका दीजिए। अब क्या करना, अब क्या कहे, फंस गया है ना तो आप प्रायश्चित लीजिए। आप दूसरी बार नोटबंदी कर रहे हैं, देश के अर्थव्यवस्था के साथ
इतना घिनौना खिलवाड़ इतिहास में कभी नहीं हुआ था। उनको क्या लगता है ये कोई अहमदाबाद की दुकान चला रहे हैं क्या, ये देश चला रहे हैं? उनको अब तक समझ में नहीं आ रहे ये देश चला रहे हैं, अहमदाबाद की दुकान नहीं, सूरत की दुकान, कपड़े की दुकान नहीं चला रहे ये लोग।